तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम यहां से देखने वाले हैं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का आपका संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका वार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का आपका संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहां से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाइएगा, तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों बिना किसी देरी के देखते हैं और समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का आपका संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षा में किस प्रकार का आया है और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। आप सभी लोग यहाँ से ए टू जेड पूरा का पूरा देख सकते हो, पूरा का पूरा है दोस्तों हमारे पास में मौजूद है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का आपका संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 10 का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार कर लेना है। देख सकते हो दोस्तों टोटल पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका ऐसे प्रकार का आएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का आपका संस्कृत का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। देख सकते हो दोस्तों टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा ये बिल्कुल इसी प्रकार का होगा जो कि मैं यहाँ से आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार का आपका अर्धवार्षिक परीक्षाओं का कक्षा 10 का आपका संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आया है और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। देख सकते हो सबसे पहले यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। सबसे पहले आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा, इस जगह से आपसे क्या पूछे गए हैं, उचित विकल्पम चित्वालिका। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको उचित विकल्प ढूँढ कर लिखने हैं जो कि आपसे 6 लिखने हैं। देखिएगा किस प्रकार से आपको इनको लिखना होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, गत्वा इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, गत्वा में प्रत्यय कौन सा होगा। तो यहाँ से आपको लिख लेना गत्वा और उसी के नीचे एक क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछा गया है, तुमुन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति, तुमुन प्रत्यय का पद कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों हसितुम, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आदाय इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, आदाय में कौन सा प्रत्यय होगा। तो यहाँ से आपको लिख लेना लेप प्रत्यय है। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखेंगे, गता इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, गता में कौन सा प्रत्यय होगा। तो यहाँ से आपको लिख लेना कत्वतु। और उसी के नीचे क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे गए हैं, देखिएगा क्या लिखा है, अयम बालिका वीरा इत्यस्मिन वाक्य विशेष पदम अस्ति। तो यहाँ से आपको लिख लेना वीरा। और उसी के नीचे क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे गए हैं, कुद्रा सिंगा वने वस्ती अस्मिन वाक्य विशेष पदम किम, यहाँ से आपको लिख लेना कुद्रा। और उसके अलावा आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सभी को हमारे द्वारा पूरा आपका क्वेश्चन पेपर हल सहित बताया जाएगा, तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देख कर जरूर जाएँ, तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सोल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, आप सभी लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को समझ लें। देखिएगा पहला रिक्त स्थान पूछा गया है, सलिलम इतस्य पर्याय पदम किम, देखिएगा सलिलम का पर्याय पद क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपको लिख लेना नीरम, ये इसका पर्याय पद होगा। आगे बढ़ते हैं, पवना इतस्य पर्याय पदम का अस्ति, तो देखिएगा पवन का पर्याय पद क्या हो जाएगा, यहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे। तो पवन का पर्याय पद आपका वायु हो जाएगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसके अलावा सुकरम इतस्य विलोम पदम किम अस्ति, तो यहाँ से आपको लिख लेना दुर्वहम, अस्तमये इतस्य विलोम पदम, तो यहाँ से आपको लिख लेना उदये, कृष्काया आसीत कौन है, कृष्काया अभियुक्ता, चोरा आसीत कौन था, चोर आरक्षी, और वाची वक्रता अवक्रता। और उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे युगमेलनम कर लेना है, पूरी की पूरी आप सभी लोग यहां से युगमेलनम कर लें। बाल के सप्तमी विभक्ति है इसमें, लतिया इसमें तृतीय विभक्ति है, अहम इसमें प्रथम विभक्ति है, तव इसमें षष्ठी विभक्ति है, प्रहार इसमें प्र उपसर्ग है, अपवाद में इसको आपसे आपको मिला लेना है।
तो इस प्रकार से आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से युगमेल नाम कुरुद को पूरा कर लेंगे और उसके नीचे यहाँ से आपसे एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लें। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को देख लें। एक वाक्य में उत्तरम लिखत, देखिएगा यहाँ से आपको एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। इस क्वेश्चन को देख लेंगे। वद धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत, तो देखिएगा इसमें आपको लिख लेना वदत। अगले क्वेश्चन को देख लें। अस धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम लिखत, तो यहाँ से आपको लिख लेना भवति। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। लब धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत, तो इसमें आपको लिख लेना लब। गच्छति क्रियापद का धातु लिखत, तो यहाँ से आपको गम लिख लेना है। सदाचारा एवं परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यय अव्ययम् किम् अस्ति, यहाँ से आपको एव लिख लेना है। तत्र विद्यालय अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम् किम् अस्ति, तो यहाँ से आपको लिख लेना तत्र। और आगे देखते हैं। अत कथा आरंभ अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम् अस्ति, तो यहाँ से आपको लिख लेना अत। और उसी के नीचे क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। देखिएगा क्या लिखा गया है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे। शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष ना इति लिखत, देखिएगा आम ना यहाँ से आपसे पूछे गए हैं। आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे। विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ स्वर संधि अस्ति, ये आपका सत्य है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। मनोरथा इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, ये आपका असत्य होगा। जगदीशा इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि ना अस्ति, ये आपका सत्य होगा। राजपुत्रा इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुषा समासा अस्ति, ये आपका सत्य होगा। यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे अव्ययी भाव समास अस्ति, ये भी आपका सत्य है। पंचवटी इत्यस्मिन् पदे द्वंद्व समासा अस्ति, ये आपका असत्य होगा। इस प्रकार से आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से सत्य असत्य को देख लेंगे। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख लें। कवि किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति, अस्माकं पर्यावरण किम किम इच्छितम अस्ति, व्याघ्र किम विचार्य पालिता, लोके यही तो भयात का मुच्छते, कृषका किम करोति इसमें, जननी की दृश्य भवति, मयूर कथम नृत्य मुद्राया स्थिति बहुत ही। आप सभी लोग यहां से इन प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देख ले, 11 देख ले, 12 देख ले, 13 को देख लेंगे। सभी के सभी क्वेश्चंस आप सबसे पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। और आगे भी देख सकते हो इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षा में आया है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लें, 15 देख लें, 16 और 17 को देख लेंगे। टोटल आपका क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का आया है। और आगे देख सकते हो प्रश्न नंबर 18 को देखें आप सभी लोग, और 18 के बाद में 19 को भी देख लेंगे, और 19 के बाद में 20 नंबर के क्वेश्चन को देख लें। और इसके अलावा इधर देखा जाए तो यहाँ से आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख सकते हो क्या पूछा गया है। स्व प्राचार्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। और प्रश्न नंबर 20 को देख लें और 23 को देख लें। टोटल आपका क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया है। आप सभी लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा मेरे द्वारा यहाँ पर आप सबको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर बता दिया गया है। आप सभी लोग इसकी तैयारी को अच्छे से जरूर कर लें। और प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और साथ में दोस्तों घंटी के बटन को जरूर दबा लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन पेपर की तैयारी को जरूर कर लें। तो दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।